थॉमस फुलर नाम के एक स्लेव थे जिन्हें 14 साल की उम्र में अफ्रीका से अमेरिका बंधुआ मजदूर बना के लाया गया था। इनका दिमाग मैथ में बहुत ज़्यादा तेज था। धीरे धीरे इनके किस्से सारी दुनिया में फैलने लग गए। जब इनकी उम्र 70 साल की थी तो काफ़ी सारे अंग्रेज इन्हें टेस्ट करने आए। उन्होंने आते ही इनसे पहला सवाल पूछा कि 1.5 साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं। इन्होंने 1 मिनट के अंदर उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए। तब उन्होंने इनसे दूसरा सवाल पूछा कि मान लो एक इंसान की उम्र 70 साल 17 दिन और 12 महीने है तो उसकी उम्र सेकंड्स में कितनी होगी। इन्होंने 2 मिनट के अंदर उसका आंसर भी सही दे दिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने इसको कॉपी पेन से चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये आंसर गलत है। उस टाइम पे थॉमस फुलर मालिकों को मासा कह के बुलाते थे। तब उन्होंने हंस के जवाब दिया, मासा आप लीप ईयर यानी कि 4 साल में एक बार आने वाला साल जिसके अंदर 366 दिन होते हैं क्योंकि उसमें फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं, अब वो साल लगाना भूल गए। अंग्रेजों ने जब उसे दोबारा से कैलकुलेट किया तो वो शॉक हो गए इनके दिमाग को देखकर। अगर थॉमस फुलर को थोड़ा भी पढ़ने का मौका मिलता तो ये दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन होते।